दोस्तों ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं Redmi Note 8 Pro को इंडिया में लॉन्च हुए और 15,000 के रेंज में आज भी ये स्मार्टफोन बेस्ट प्रोडक्ट है Redmi की तरफ से। 2020 में अपना फ्लैगशिप Mi 10 और Mi 10 Pro सीरीज इंडिया में ये जल्द ही लेकर आने वाली है। इसी के साथ बहुत सारे लीक्स और रेंडर्स सामने निकल कर आ रहे हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में, जो कि सक्सेसर होगा Redmi Note 8 Pro का। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली इसके डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिलीज डेट, क्या क्या देखने को मिल सकता है, ढेर सारे चीज आपको बताने को है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2020 में अगर आप Redmi Note अभी तक परचेज नहीं किए हो कोई भी सीरीज, तो ये सीरीज डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इसके बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी से। तो एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश जो कि सिमिलर होगा Note 8 Pro की तरह, बट सबसे ज्यादा सिमिलर मुझे ऐसा लगता है कि ये Mi 10 के सीरीज के साथ रहने वाला है, क्योंकि काफी क्लासिकल लुक इस बार प्रोवाइड किया है Mi 10 सीरीज में Redmi ने। तो सेम डिजाइन रहने वाला है जो कि फ्रंट और बैक गोरिल्ला ग्लास 6 के कोटेशन के साथ आने वाला है। 108 मेगापिक्सल का पेंटा रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी सेंसर इतने का ही होगा। बजट सेगमेंट में ये पहला ऐसा मोबाइल बन सकता है 2020 का जो 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा प्रोवाइड करे इतने कम प्राइस में। इसी के साथ फ्रंट की बात कर ले तो 6.5 इंच का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डुअल कटआउट डिस्प्ले जो कि पंच होल का होने वाला है इस स्मार्टफोन में दिया जाएगा। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज के ऊपर ये बेस होगा, तो स्मूथनेस काफी कॉन्ट्रास्ट रहने वाली है पब्लिक की तरफ से इस स्मार्टफोन में। तो अगर कोई भी स्मार्टफोन हम परचेस करते हैं आज के टाइम में, तो अगर गेमिंग लवर हो तो वो गेमिंग के स्मार्टफोन को देख के परचेस करेगा कि इसमें गेम का एक्सपीरियंस ज्यादा मिले, कैमरा के मामले में तो कैमरा का क्वालिटी अच्छा मिल सके और भी सारे बहुत कुछ को हम कंसिडर करते हैं। तो ये स्मार्टफोन Redmi की तरफ से सारे कॉम्पोनेंट्स को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके बनाने वाला है, जिसमें कि गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए पावरफुल प्रोसेसर MediaTek का रिसेंट रहने वाला है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कौन सा होगा। और अगर स्नैपड्रैगन का देगा तो 765G का प्रोसेसर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात कर ले तो मिनिमम 3 वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, 464GB, 6128GB एंड 8256GB। दोस्तों Redmi के इस सक्सेसर सीरीज में 2020 में आने वाले सारे डिवाइस के ऊपर कैमरा के ऊपर काफी सीरियस रहने वाला है, स्पेशली बजट रेंज में ये 108 मेगापिक्सल का पेंटा रियर कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है जो कि F2.2 के साथ आएगा। HDR और 1080p के ऊपर 30fps तक का वीडियो ये 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग और 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कॉन्सेंट्रेट करके दिया जाएगा। तो कैमरा के मामले में रियर साइड में काफी फोकस रहने वाला है Redmi की तरफ से। वहीं इसके फ्रंट साइड की बात कर लें तो डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसी के साथ उसमें ही आपको प्राइमरी सेंसर 20 मेगापिक्सल और सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज पॉपअप सेल्फी भी मिल सकती है, दोनों में से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पंच होल कैमरा ही देखने को मिलेगा। 2020 का सीरीज ऐसा ही चल रहा है। वीडियो में मूव ऑन होते हुए अगर बैटरी की बात कर ले तो 4500mAh की बैटरी 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी जो कि वो के ऊपर बेस होगा। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो एंड्रॉइड 10 जो कि बेस होने वाला है MIUI 11 के ऊपर रिसेंटली Redmi ने लॉन्च किया हुआ है और इंटरफेस काफी बेहतरीन है MIUI 10 से। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग को लेके, तो अप्रॉक्स क्वार्टर सेकंड तक ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा बजट रेंज में, क्योंकि क्वार्टर फर्स्ट में ये अपना फ्लैगशिप किलर लेकर आने वाली है। तो क्वार्टर टू में डेफिनेटली ये स्मार्टफोन इंडिया में सबसे पहले देखने को मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो जैसा नोट सीरीज का ट्रेंड रहा है आपको पता ही है कि 14,999 में इसका बेस मॉडल 464GB वाला देखने को मिलेगा। देखा जाए तो 15,000 में मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं एक 5G वाला प्रोसेसर, एक अच्छी बैटरी, एक 108 मेगापिक्सल वाला पेंटा रियर कैमरा, सेल्फी की तरफ से भी बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। तो एक कंपेटेबल प्रोडक्ट आप कह सकते हो Redmi की तरफ से जो इस बार ये देने की कोशिश करेगा अपने यूजर्स को। तो काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, देखिए ये स्मार्टफोन टिक पाता है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप अभी Redmi का कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे।